सिद्धार्थ नगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इटवा नगर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत में करोड़ों की सड़क, तालाब, अंत्येष्टि स्थल सहित अन्य योजनाओं की सौगात चुनाव से ठीक पहले क्षेत्रीय जनता को दी। इस अवसर पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि आज उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके प्रयासों से उनकी सरकार ने इटवा और बिस्कोहर को नगर पंचायत का दर्जा मिला और इन दोनों नगर पंचायतों में विकास करना उनका सपना था। सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और आज क्षेत्र के सड़क, नगर पंचायत भवन, गौशाला, तालाबों का सुंदरीकरण सहित दर्जनों विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर उन्हें खुशी की अनुभूति हो रही है। और बिस्कोहर के नगर पंचायत के बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास किया गया है, क्या है इन तरह के कार्य और इससे विकास से यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलेगा? आज विधानसभा क्षेत्र इटवा के विधायक के रूप में मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दिन है। विधानसभा क्षेत्र इटवा के लिए इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना ये आजादी के बाद का ही एक सपना था। 1975 से बिस्कोहर नगर पंचायत की स्थापना का आंदोलन चल रहा था। इटवा की भी बरसों से प्रतीक्षा थी। 1988 में जब इटवा तहसील बना तब तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले एक दो वर्षों में नगर पंचायत बन जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि पूर्वांचल में ही नहीं इस जनपद में भी इटवा और बिस्कोहर से छोटे छोटे कस्बे नगर पंचायत बन चुके थे, लेकिन इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत नहीं बन पाया था। ऐसी विधानसभा थी जिसमें एक भी नगर पंचायत नहीं था। आज वो न केवल उस नगर पंचायत की स्थापना का सपना पूरा हुआ बल्कि दोनों नगर पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न हो चुका है और आज दर्जनों ऐसे कार्यों का शिलान्यास हुआ है, सड़कों का निर्माण, तालाबों का, पोखरों का सुंदरीकरण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, इसके पहले नगर पंचायत के कार्यालय भवन का शिलान्यास हो चुका है, आने वाले दिनों में कान्हा गौशाला का भी निर्माण होने वाला है। तो ऐसी सैकड़ों विकास की परियोजनाएं अब इटवा और बिस्कोहर नगर पंचायत में शुरू हो रही हैं, उनमें से अधिकांश का आज शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को, विशेषकर इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत के निवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। लगभग कितने करोड़ की परियोजनाएं होंगी? ये कुल परियोजनाएं आज जो शिलान्यास हुई है ये परियोजनाएं भी 5 करोड़ से अधिक की लागत की हैं दोनों नगर पंचायतों के मिला के। इसके पहले करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है और आगे भी अभी चलता रहेगा।